एवरीवन, यू आर वाचिंग शॉर्ट टाइम रेसिपीज। आज के इस वीडियो में मैं फ्रेंड आपके साथ में मुंबई के मशहूर बड़ा पाव की सीक्रेट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं इस वीडियो में ये मुंबई का बड़ा पाव बच्चों से लेकर बड़ों तक की फेवरेट डिश है। इस स्वादिष्ट बड़ा पाव को हम घर पर भी आसानी से बना सकते हैं जब भी मन करे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं कैसे बनाना है ये बड़ा पाव। बड़ा पाव बनाने के लिए जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट चाहिए वो है बेसन। मैंने यहाँ 2 कप बेसन लिया हुआ है। ये देखिए फ्रेंड, अब हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इसके बाद में अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक ऐड करेंगे और अब मैं यहाँ बेकिंग सोडा 1 पिंच ऐड कर रही हूँ। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसके बाद में हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करना है और इसका थिक सा बैटर तैयार करना है। लम्स नहीं पड़ने चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। इस तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए। ये थोड़ा थिक ही होना चाहिए क्योंकि हमें बड़ों पर इसे कोडिंग करना है। ये देखिए ये तैयार हो गया है। अब हम इसके लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। अब हम यहाँ बड़ा पाव की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। हमारा पैन यहाँ पर गर्म हो चुका है और ऑयल हमने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद में जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाता है तब हम यहाँ पर 1 छोटा चम्मच राई ऐड करेंगे इसमें। जब हमारी राई अच्छे से चटकने लगती है उसके बाद में हमें यहाँ पर, मैंने यहाँ 2 हरी मिर्च ऐड की है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ऐड किया है और यहाँ पे 2 से 3 लहसुन की कली ऐड की है कट करके। इन सारी चीजों को अच्छे से फ्राई कर लेना है हमें, 7 से 8 सेकंड के लिए इसे अच्छे से फ्राई करना है। जब ये हमारी फ्राई हो जाती हैं उसके बाद में हमें यहाँ पर जो हमने आलूओं को बॉईल करके अच्छे से मैश करके रखा है वो हमें यहाँ पर इसमें ऐड करना है। ये मैंने 7 से 8 आलू लिए हैं। और इन आलूओं को अच्छे से भूनना है हमें। हमें ये देखिए फ्रेंड, हम यहाँ 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं। इसके बाद में हमें यहाँ पर 4 से 5 मिनट अच्छे से इसे भूनना है क्योंकि जब आलू अच्छे से भून जाता है तो उसका स्वाद और भी अच्छा आने लगेगा बड़ों में। इस तरीके से आप इसे भून लीजिए और इसके बाद में जो हमें ऐड करना है वो नमक। ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप कर सकते हैं नमक ऐड। और जब ये हमारा अच्छे से भून जाता है 4 से 5 मिनट तक, हमें फ्लेम बंद कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तब तक हम यहाँ पर जो बड़ा पाव की चटनी बनानी है हमें लहसुन की, वो हम तैयार कर लेते हैं। लास्ट में हमें इसमें धनिया हरा हुआ कटा इसमें ऐड कर देना है। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। चलिए फ्रेंड, हम बड़ा पाव के लिए गार्लिक की सूखी चटनी भी तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ 1 चम्मच ऑयल लिया है और 12 से 15 यहाँ पे लहसुन की कलियाँ ली हैं और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई हमें लहसुन को नहीं करना है। जब हमारा लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाता है उसके बाद में हमने यहाँ पे पिसा हुआ नारियल ऐड किया है। ये मैंने 1/2 बाउल ऐड किया है। इसे भी हमें अच्छे से भून लेना है। ये चटनी खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। इसके बाद में मैंने यहाँ 1 छोटा चम्मच सफेद तिल लिया है। इन तीनों चीजों को अच्छे से भून लीजिए।
इसके बाद में हम यहाँ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और ये हमारी अच्छे से भुन चुकी है। यहाँ पे थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट और फ्लेम को हम बंद कर देंगे। 3 से 4 मिनट हमें भूनना है। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा अच्छे से भुन चुकी है सारी चीजें। अब हम इस चटनी को अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, बड़ा पाव की ये सूखी गार्लिक की चटनी बनकर एकदम रेडी हो गई है। अब हम देख लेते हैं हमें आगे का स्टेप क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड, जो हमने स्टफिंग तैयार की थी आलू की, उसके अच्छे से मीडियम साइज के हमने बॉल्स बना लिए हैं सारे। उसके बाद में जो बैटर बनाया था उसमें हम इसे अच्छे से डिप करेंगे और डिप करने के बाद में हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। हम एक एक करके इस तरीके से डाल देंगे अपने बड़ों को, ये देखिए, और हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें डालना है। हमारा बैटर परफेक्ट होना चाहिए, बहुत ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, तभी हमारे बड़े भी जो है वो परफेक्ट बनेंगे। इस तरीके से हमको अपने सारे बड़ों को फ्राई कर लेना है। ये देखिए हमारे बड़े नीचे से सिक चुके हैं। अब हम धीरे धीरे करके इनको पलट लेंगे इस तरीके से। ये देखिए अब बिल्कुल रेडी है, सिक चुके हैं अच्छे से। और अब हम इसे किसी पेपर पर निकाल लेंगे ताकि जितना भी इसका एक्स्ट्रा एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पर पाव लिया है। अब हम इसमें कट लगाएंगे इस तरीके से। इसके बाद में हम यहाँ पर जो हमने ग्रीन चटनी बनाकर रखी है उसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे इसके ऊपर। आप चटनी अगर ज्यादा खाते हैं तो ज्यादा लगाइए, जैसे भी खाते हैं वैसे लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पर लहसुन की जो हमने सूखी चटनी बनाई है वो हम इस पर स्प्रेड करेंगे। ये भी टेस्ट के अकॉर्डिंग है, ज्यादा कम जैसा भी आप खाते हैं वैसा लगा सकते हैं। अब हमने यहाँ पर जो बड़ा बनाया है वो हम इसमें रखेंगे। ये देखिए ये फ्रेंड, बड़ा पाव बनकर हमारा तैयार है। ये देखिए फ्रेंड, अब हमें क्या करना है, पैन हमारा गर्म है, मैंने यहाँ थोड़ा सा देसी घी लगाया है, आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं। अब हमें इस पर ये पाव रखना है और वन साइड से हमें ये पाव अच्छे से सेकना है इस तरीके से। थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए हल्का सा इस तरीके से। ये देखिए ये हमारा सेक चुका है। अब हम ग्रीन चिली जो फ्राई करके रखी है वो हम इसमें लगा देंगे। ये बहुत स्वादिष्ट लगता है ग्रीन चिली के साथ में इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड, फाइनली हमारा मुंबई स्टाइल, मुंबई का मशहूर बड़ा पाव बनकर एकदम रेडी है खाने के लिए। तो फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे अपनी एक और न्यू रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर।